बस तुलसी दावा लिखते हैं। एक दिन भगवान श्री राम ने बानर वाले को देखा, बानर वाले कौन थे, अपने भोलेनाथ जी है ना, भोलेनाथ आए हनुमान को लेकर। तुलसी बाबा लिखते कि कह देन राम उठानी मचलाई और कहे मोहे कपि देव मगाही, मैया मोहे एक बानर ला दे। हनुमान को ले लेते हैं, तुलसीदास लिखते कि कह देन राम और पतंग उड़ाई। एक दिन राम जी ने पतंग उड़ाई, लड़कों के साथ बरसात हो रही थी, भगवान जी ने पतंग उड़ाई, लेकिन कहां गई, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुंची जाई, जहां इंद्र के लड़का जयंत की पत्नी ने पतंग पकड़ ली। बड़ा सुंदर है पतंग, हाँ, जब तक उड़ाने वाले के दर्शन नहीं होंगे तब तक पतंग नहीं छोड़ेंगे। हनुमान से कहा, देख हनुमान किसने पतंग पकड़ी, तू रहत पवन सुत जाए निहारी। हनुमान जी उसे भी बेग उड़े और पहुंचे, अरे पतंग छोड़, तू रहत पवन सुत जाए निहारी, छाड़ देव कपि गिरा सुनाई। हनुमान जी ने कहा पतंग छोड़ दो, जयंत की बोली ना, पत्नी बोली ना जी, जब तक उड़ाने वाले के दर्शन नहीं होंगे तब तक पतंग ना ही छोड़ूंगी। हनुमान जी नीचे आए, बजरंग बली कूद पड़े, नेक बोल कप्पा बजरंग बली कूद पड़े, नेक बोल कप्पा बजरंग बली कूद पड़े, बजरंग बली कूद पड़े, नेक बोल कप्पा बजरंग बली कूद पड़े, नेक बोल कप्पा बजरंग बली। हनुमान ने कहा पतंग, जयंत की पत्नी पकड़े है, बोले उससे कह देना अभी नहीं, दर्शन तब देंगे जब मेरा वनवास हो जाएगा तब, चित्रकूट पर कह देना उसे। हनुमान जी ने कहा तो उसने पतंग छोड़ दी, दिल में लालसा ली, प्रभु कभी नहीं तो कभी तो हमें दर्शन देंगे। एक बात और आपको बताऊं, लगी है लौ किनारे पर तो किसी दिन लहर आएगी, और लगा है बाग में केला तो किसी दिन गहराई। अरे पत्ती मिल के कभी बैठ जाओ और कहो कि मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे नाम। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, वो भाव उसका है जयंत की पत्नी का, उसने पतंग छोड़ दी लेकिन लालसा ली कि मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ आओ मेरे राम। रुपया दे रहे हैं पर भगवान सदा रखे, मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ आओ मेरे राम। ये रामचंद्र भगवान की तो केवल भाव बनाओ है ना, अरे भिलनी ने, भिलनी को देखो, गड़का को देखो, नरसी को देखो, थोड़ा भाव होना चाहिए, बिना भाव के कुछ भी नहीं। मक्का भाव में बिची अच्छी बिच गई, और भाव नहीं होता तो बेकार चढ़ी जाता, क्या होता। भाव तो अच्छा ही, भाव बनाना चाहिए, उसका भाव ये कभी ना कभी तो प्रभु दर्शन देंगे। अरे भिलनी तो बूढ़ी हो गई, इंतजार करते करते भीलनी के गुरु ने बताया था कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, डंडा लेके चली, लेकिन तब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। विश्वामित्र का आश्रम आजमगढ़ में था, आजमगढ़ में विश्वामित्र को खबर मिली है कि प्रभु राम का अवतार हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। आजमगढ़ से चले, दशरथ के घर आए, आइए मुनिराज,
रुपया सेवा करे आइए मुंडरा। लेकिन एक बात और, इसकी ध्यान रखना।